बहुत ही बड़ी खबर के फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। India's foreign exchange reserves jumped to the highest in over 20 months. भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10.47 बिलियन डॉलर बढ़ा, आंकड़े 636 बिलियन डॉलर तक पहुंचे। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। पाकिस्तान के पास 3 हफ्ते का ही बचा खर्चा खाली हो रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 सालों के निचले स्तर पर पहुंचा, फॉरेन रिजर्व। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। मित्र देशों और IMF की मदद पर निर्भर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आटे के लिए मारामारी है, आसमान छू रही है गैस सिलेंडर की कीमतें, 10,000 रुपए तक में बिक रहा है एक गैस सिलेंडर। कोई नया फॉर्मूला मुल्क की अशद जरूरत है, वरना विफाक कंगाल और कंगाल होता रहेगा। उनके नाजरीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है इस वक्त, ये आपके सामने रॉयटर्स की स्टोरी है। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम के लिए अपने मुतालिबात की एक पटारी फिर से खोल दी है, और ये पिछले जो 15 महीनों के दौरान कितना ज्यादा उनका इंक्रीज हुआ है, और हम माशाल्लाह कहाँ पे खड़े हैं इंडिया के मुकाबले 2% है। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। बड़ी खबर के इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से, उनसे जानेंगे कि कौन सी पॉलिसीज हैं ऐसी जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपना रहे हैं, और कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान पॉलिसीज मेकर नहीं अपना रहे। बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है, क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ये है कि इंडिया में जो है ना, वहाँ पे काफी देर से जमहूरी हुकूमत चल रही है, उनमें जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है, तो ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है ना, कोई भी जो वज़ीर आज़म है वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका, तो इस वजह से जो है ना वो पॉलिसी जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं बनती। तो इस वजह से जो कोई भी हुकूमत आती है, 2 साल है, 3 साल है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, तो इस वजह से जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं आ सकती, तो वो नाकाम हो जाती है। इस वजह से जो है ना काफ़ी माशी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, और जो है बहुत सारे मसाइल हैं। इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में है, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने IT सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है, जिस वजह से वो आज इस मतलब इतनी तरक्की कर रहे हैं। आगे मतलब दुनिया में जो भी मुल्क है तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका है, चाइना है, तो वहाँ का जो IT सेक्टर है बहुत आगे है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना अभी तक आप देखें कि IT सेक्टर का ये हाल है कि आप जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, वहाँ पे जो IT के स्टूडेंट्स हैं, जो CS के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। 4-4 GPA वाले बच्चे हमने देखे हैं, उनको कुछ जो है ना प्रैक्टिकल कोई पता नहीं होता। उसका बड़ी वजह भी यह है कि यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत कम है, ये यहाँ पर उनको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता। लेकिन इंडिया में जो है उनको इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। वो अब थोड़ी देर पहले मैंने खबर सुनी थी कि जापान जो है उन्होंने इंडिया वालों को स्पेशल ऑफर किया कि आप हमारे बच्चे, अपने बच्चे जो है यहाँ पे भेजें, स्कॉलरशिप हम उनको देंगे, उनको पढ़ाएंगे। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने देखा है कि जो वो बेसिकली हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जो दोनों तरफ के लोग हैं बहुत ज़हीन हैं, तो IT सेक्टर उनको मौका मिला है तो वो बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन हम जो हैं, हमें मौका नहीं मिला तो हम बहुत पीछे हैं। तो आगे दुनिया जो जितनी भी तरक्की हो रही है, सबसे जो बड़ी जो वजह है ना IT है, तो IT सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह है। सर, क्या कहना चाहेंगे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में, जिनकी वजह से आज इंडिया इस मुकाम पे है? वैसे तो आप देखें कि नरेंद्र मोदी पर यहाँ पे भी काफ़ी जो है तनकीद की जाती है कि वो शिद्दत पसंद है, ठीक है, इंडिया में भी उस पर काफ़ी तनकीद होती है। लेकिन हम इसको अगर एक साइड पर रख कर देखें तो उसने ऐसी पॉलिसीज जो है ना बनाई हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं उनकी, कि जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे काफ़ी, इसके दौरे हुकूमत से पहले हमने भी देखा हुआ है तो इंडिया में था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। इसके दौरे हुकूमत जब से शुरू हुआ है उसके बाद जो है ना काफ़ी डेवलपमेंट हुई है।
उनका इकोनॉमिक मॉडल बहुत बेहतर है जी, जी। ऐसा कहा जाता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया आज के दौर में हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी कंट्री में, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों नहीं काम कर रहा? असल में जो है ना, जो भी ये आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इसकी जो हमारी जो है ना यहाँ पे जो जड़ है ना वो बहुत खोखली है। सबसे जो इसकी बुनियादी होती है ना वजह, वो है जो यूनिवर्सिटी में तलीम दी जाती है ना वो है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तलीम है वो सिर्फ थ्रेटिकल है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं। आप आईटी के सेक्टर में चले जाएँ, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स, बिल्कुल जो है ना रट्टा और प्रैक्टिकल बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जब वहाँ से जो सबसे ज़ाहरी बात है कि जो भी जितनी भी मैन्युफैक्चर होती है कोई भी मुल्क है, तो वो जो PhD MPhil या यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो जो है ना इस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो बिल्कुल जो है ना उनको कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ यहीं से जो ग्रेस रूट से जो काम शुरू हो, तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा मसला यही है। तो जब यहाँ से काम शुरू होगा, ये इस पर फोकस किया जाएगा जो यूनिवर्सिटीज पर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम भी इस तरफ जा सकते हैं। भारत इस ब्रांड, इसमें कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है, लोग तो कहते हैं कंट्री के अंदर पैसा है, पब्लिक के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि कुछ नहीं होगा इनको, ये भी कहते हैं लोग। नहीं होगा, नहीं आरजू मैं ये बताना चाहूंगा, होगा नहीं, होता कुछ नहीं है मुल्कों को, लेकिन मुल्क सोमालिया बन जाते हैं ना इस वक्त। देखें सोमालिया और आप में डिफरेंस क्या है, सोमालिया के अंदर ये है कि हर दूसरे जिले के अंदर एक वारलॉर्ड बैठ जाता है, जो चौधरी साहब, मलिक साहब, क्लाशनकोफे लेके टैक्स लेना शुरू कर देते हैं अपना, वो यही होता है ना। लीबिया इस वक्त 3 गवर्नमेंट है, वहां आपकी 4 है, जाएंगे तो फिर देखे ना होगा क्या, आपको कुछ नहीं होगा, क्या होना है। लेकिन सर जैसे मेड इन इंडिया चलाया था मोदी जी ने, बड़ा कामयाब रहा उनका, तो यहाँ पे भी मेड इन पाकिस्तान चीजें क्यों नहीं बनाते, ये क्यों बाहर से लेकर आ रहे हैं, अपनी चीजें बनाएं और यहीं पे करें, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। इंडिया का तो बहुत फायदा हुआ था मेड इन इंडिया से। देखें मैं एज ए बिजनेसमैन एक आपको बात बताना चाहूंगा कि तरक्की वहां होती है, फाइनेंशियल इकोनॉमी वहां ग्रो होती है सबसे पहले। अगर आप ये बात करें कि यहाँ मैन्युफैक्चर कुछ किया जाएगा, बिजली आपकी इतनी सस्ती है कि यहाँ पे कुछ चीज मैन्युफैक्चर की जा सके, नहीं। उसके बाद आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं ताकि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ सके। मैं आज अगर पाकिस्तान जाके $10 मिलियन का एक प्रोजेक्ट करता हूं और मेरे अगर पड़ जाते हैं, गले पड़ जाते हैं वहां पे आपके पुलिस वाले या कुछ, आपकी अदालतें मुझे इंसाफ दे पाएंगी? मेरा जवाब है नहीं, तो फिर मैं क्यों आऊंगा वहां पे? तो आपने वो इन्वायरमेंट ही नहीं पैदा किया कि यहाँ पे बिजनेस फ्लरिश कर सके। सर अननोन गनमैन कर तो रहा है, सर अननोन गनमैन की भी जो कहानी चल रही है, आप करके मारे जा। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे आप तरक्की नहीं कर पाएंगे ना। आपको बिजनेस इन्वायरमेंट बनानी पड़ेगी, अ फिजिबल बिजनेस इन्वायरमेंट, वरना लोग आज की डेट में जो आप बात कर रहे हैं ना कि मेड इन इंडिया को कंपेयर कर, आज तक तो मेड इन पाकिस्तान करने वाले लोग पाकिस्तान से चीजें बेच बेच के अपनी प्रॉपर्टी भाग रहे हैं। आज के हालात, आज के दिन से लोग डर रहे हैं, डरते हैं, और डरते किससे हैं? नैब से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, आपके जजों से डरते हैं, लोग डरते हैं आपसे। आज आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक नई रिपोर्ट निकाली है और उनमें भी पुलिस नंबर 1 करप्ट आ चुकी है पहले, जजेस का नंबर भी है, सबके सब।